मेरा चैनल, आज मैं बताऊंगी आपको ऑयल पुलिंग के बारे में। हो सकता है इसे काफी लोग पहले से ही जानते हो और काफी लोग ऐसे हो जिन्होंने इस वर्ड को ही पहली बार सुना हो। ऑयल पुलिंग होता क्या है, कैसे करते हैं और इसका हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट है, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। मैं इसे 10 दिन से कर रही हूँ और सीरियसली गाइज आई एम जस्ट लव इट दिस ऑयल पुलिंग। 10 डेज में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आज आप ऑयल पुलिंग करें और आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके सारे बेनिफिशियल वे में ही ऑयल पुलिंग है। बस कुछ रूल्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है इसे करते समय। ये वीडियो आप पूरा देखिए, मैं इसमें आपको स्टेप में बताती जाऊंगी कि ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं, हमें कब करनी चाहिए। एशियन आयुर्वेदा में ऑयल पुलिंग करते थे जिससे कि आपकी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाए, जैसे कि बैड ब्रीथ होना, मुंह से बदबू आना, दुर्गंध आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, दांतों का कमजोर होना, पीलापन हो जाना दांतों के आसपास के एरिया में, दांतों की कैविटी ना हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी उस टाइम पे ऑयल पुलिंग से ठीक की जाती थी। और भी इससे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर की जाती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरह से होना, नोजिया की प्रॉब्लम होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, वो भी इससे काफ़ी हद तक क्योर हो सकती है। मतलब पूरी तरह से अस्थमा ठीक नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक इसको क्योर कर लेगा। जैसे कि बार बार उन्हें अस्थमा के अटैक आते हैं, इससे उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर किसी को है, वो मैंने पर्सनली, मैं मेरा एक्सपीरियंस है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। होता क्या है कि आपके जो नोज़ का एरिया है, जब आप माउथ में ऑयल लेके ऑयल पुलिंग करते हैं तो यहाँ आपके पूरे माउथ की एक्सरसाइज होती है, उससे ये जो सारी वेव्स हैं जो अंदर इंटरनल, जो भी एक्स्ट्रा इंटरनल, आपका नाक, कान, आँख, मुंह सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये एक्सरसाइज आपकी ब्यूटी को भी इन्हेंस करता है, यानी कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, रिंकल लेस बनाता है। ये एक टाइप का एक्सरसाइज है आपके फेस के लिए, जो आपकी फेस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर करेगा। मी पर्सनली, मेरे फेस में भी मैंने काफ़ी सारे चेंजमेंट देखे हैं आफ्टर ऑयल पुलिंग, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बट इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको करने के लिए आप कोई भी ईटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑयल 100% नेचुरल है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी इसी ऑयल से, अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसी ऑयल को यूज़ करें ऑयल पुलिंग के लिए, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को इनक्रीज करता है, इन्हेंस करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। तो ये जो है आपके लिए बेस्ट है अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, मॉर्निंग में जब भी आप सबसे पहले सो के उठते हैं, उसके बाद हमें इसे एक चम्मच में, एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, जितना भी आपसे हो सके उतना आपको इसे अपने आपके मुंह में रखना है, आपके माउथ में रखना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है। इसको करने के बाद आपको प्यूक कर देना है, यानी कि इसे आपको अपने मुंह में, वैसे तो बोलते हैं 20 मिनट्स तक रखना चाहिए, पर बी फ्रैंक, जब मैंने इसे फर्स्ट डे किया तो इट्स हॉरिबल, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुंह के अंदर क्या रखा है, कब मैं इसको बाहर जाके प्यूक करूँ। तो सबसे पहले दिन जब आप करोगे तो मे भी हो सकता है आपको कम टाइम हो, लेकिन आप जब डे बाई डे आप इसे करते जाएंगे तो ये अपने आप इसकी फ्रिक्वेंसी है जो बढ़ जाएगी। तो जब फर्स्ट डे मैंने ट्राई किया था तो मैं इसे हार्डली 5 मिनट्स भी बड़ी मुश्किल से रख पाई थी, बट और इसे आपको रखना है 20 मिनट्स तक बोलते हैं, बट मैं इसे 10 मिनट्स आपको सजेस्ट करूँगी। 10 मिनट्स भी अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ आपको। और इसको करना कब है, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं, आपको ब्रश नहीं करना है, आपको पानी भी नहीं पीना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप उठ के थोड़ा सा एक नॉर्मल पानी से हल्का सा कुल्ला करके अपने माउथ में जो भी जम्स हैं वो फ्रेश हो गए, उसके बाद आपको एक से डेढ़ चम्मच लेना है, अपने मुंह में रखना है, देन इसे फॉलो करना है। आपको गलती से भी एक सिंगल ड्रॉप भी आपको अंदर नहीं लेना है, यानी निगलना नहीं है, एक सिंगल ड्रॉप भी आपको इसका सोक नहीं करना है। अगर आपसे 2-3 मिनट ही हो पाता है उसके बाद आप इसे क्विक कर दें, पर आप इसे अंदर ना लें।
क्योंकि होता क्या है कि जो ऑयल आपके मुंह में रखा है उसमें सारे डिटॉक्सिफिकेशन जो आपके अंदर के जितने भी गंदगी है वो आपके ऑयल में आ जाती है और वो आप थूक देते हो वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आप उसे अंदर ले लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो आप इसे बाय मिस्टेक भी अंदर ना लें, इसे आपने मुँह में रखें 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपसे पॉसिबल हो, उसके बाद इसे प्यूब कर दें। देन आफ्टर नॉर्मली आप ब्रश कर लें, जो भी आप मॉर्निंग रूटीन में लेमन वाटर, नॉर्मल वाटर, एप्पल साइडर विनेगर वाटर, जो भी वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर ले लें एंड नॉर्मल डेली रूटीन आप अपना स्टार्ट कर दें। तो ये आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय।